हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीना क्लासेस। आज मैं आपके सामने एक थोड़ा सा अनयूजुअल टॉपिक लेकर आया हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों में से शायद बहुत कोई इस टॉपिक के बारे में जानते हैं, सुना भी है, पढ़ा भी होगा शायद, और बहुत स्टूडेंट्स जो है उनको ना ही इस बारे में अच्छी जानकारी है और ना ही उन्होंने इस बारे में कभी अच्छे से पढ़ा भी होगा। तो आज उन सब स्टूडेंट्स के लिए जिनको इनके बारे में थोड़ा सा प्रॉब्लम है या जो इनके बारे में अच्छे से जानते नहीं है, उनके लिए ये टॉपिक मैं आज लेकर आया हूँ। द नेम ऑफ द टॉपिक दैट इज़ रियली विजिबल ऑन द बोर्ड एट द मोमेंट इज़ कॉजिटिव वर्ब। शायद आपको अच्छे से बोर्ड पर दिख भी रहा होगा, पॉजिटिव वर्ब। आपने बहुत सारे वर्ब के बारे में पढ़ा होगा, मैंने अभी तक बहुत सारे वीडियोस वर्ब के बारे में बनाई भी है, लेकिन आज पॉजिटिव वर्ब के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें ये जानना है कि पॉजिटिव वर्ब है क्या। पॉजिटिव, अगर इस टर्म को आप अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, आपको दिखेगा पॉजिटिव ये जो वर्ड है, ये वर्ड का जन्म या उत्पत्ति हुआ है कॉज यानी कारण से। तो पॉजिटिव वर्ब क्या है और वो कौन कौन से पॉजिटिव वर्ब होते हैं, इसके बारे में यहाँ पर बोर्ड में मैंने अच्छे से लिखा है। पॉजिटिव वर्ब में हालांकि गेट, मेक और लेट, ये तीन वर्ब जो है ये सबसे ज़्यादा उपयोगी वर्ब है, जो ज़्यादा हमारे लिए इफेक्टिव है प्रैक्टिकल इंग्लिश और रिटन इंग्लिश में। आज इस तीनों वर्ब गेट, मेक और लेट, इस तीनों के बारे में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारा मेक और मेड। अच्छे से देखिए, मेक एंड मेड। शुरू करने से पहले आपको एक बात और बता देता हूँ, पॉजिटिव वर्ब क्या होता है। पॉजिटिव वर्ब मतलब होता है जिस वाक्य में सब्जेक्ट जो होता है वो निष्क्रिय होता है, निष्क्रिय इन सेंस ऑफ इनएक्टिव, जिसका कोई काम नहीं होता है, वो क्या करता है दूसरे या तीसरे व्यक्ति के द्वारा या किसी और के द्वारा अपने काम को करवाता है। ये जो क्रिया जो होती है, ये जो क्रिया को समझाया जाता है कि क्रिया डूअर से अर्थात सब्जेक्ट के द्वारा नहीं किया गया है, सब्जेक्ट ने किसी दूसरा या तीसरे व्यक्ति के द्वारा इस काम को करवाया है, उसे ही हम कहते हैं पॉजिटिव वर्ब। शुरू करते हैं मेक और मेड से। जैसे कि आप सभी जानते हैं मेक इज अ प्रेजेंट फॉर्म एंड मेड इज द सेकेंड फॉर्म, इज वी टू पास्ट फॉर्म। मेक और मेड का इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं, चलिए इसके बारे में पहले जान लेते हैं, और किस किस कारण के लिए इसका उपयोग होता है और इसका स्ट्रक्चर क्या है, हम कैसे सेंटेंस को बनाएंगे, उसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल आपको देने वाला हूँ। शुरू करते हैं। फोर्स, कॉम्पल, पावर एंड बाउंड। जैसे कि आपको किसी ने ज़बरदस्ती कोई काम करवाया, आपने मजबूरी में किसी का काम किया ज़बरदस्ती, या फिर आपको किसी ने फोर्स किया, कंपेल किया, अपना ऑथोरिटी दिखाया, पावर दिखाया, इन सब चीज़ों में हमको, या मजबूर किया आपको, इन सब चीज़ों में आप हमेशा क्या करेंगे, मेक प्रेजेंट के लिए और मेड पास्ट के लिए इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा स्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान देते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स भी मैंने दिया है आपके कन्वीनियंस के लिए। यहाँ पर बोला गया है कि व्हेन समवन, इन सब ऑप्शंस को आप फिर से देखिए, फोर्स, कंपल, पावर, बाउंड, अदर्स डू एनी वर्क और समथिंग एल्स, जब कोई व्यक्ति किसी और के द्वारा किसी काम को बलपूर्वक या फोर्सफुली करवाता है, तब हम मेक या मेड प्रेजेंट और पास्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा स्ट्रक्चर का इन्फॉर्मेशन आपको बता देता हूँ। यहाँ आपका स्ट्रक्चर लगेगा, आपने, आप ऐसे बोल सकते हो यू, मतलब आप अगर मान लो यहाँ पर कि एग्जाम्पल के द्वारा दिखा रहा हूँ, आप क्या कर रहे हो, यू मेक समवन, यू मेक मी, इसका मतलब है यू मेक समवन डू समथिंग, यानी इसका स्ट्रक्चर बना आपका यू मेक समवन डू समथिंग। एग्जाम्पल के द्वारा बताता हूँ आपको, ही ऑफन, क्योंकि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, आपको पता है वर्ब के साथ हमेशा एस या ई एस का ऐड करते हैं हम लोग, ही मेक्स मी कंप्लीट हीज होमवर्क, वो मुझे हमेशा अपना होमवर्क कंप्लीट करने के लिए मजबूर करता है, इस चीज़ को आपको समझना है। सेकेंड एग्जाम्पल पे आते हैं, वी मेक स्टूडेंट्स डू देयर ओन वर्क ओन सेल, हम लोग क्या करते हैं, हमेशा बच्चों को या स्टूडेंट्स को क्या करते हैं, मजबूर करते हैं, कंपेल करते हैं, उनको बाउंड करते हैं कि अपना जो वो काम करे वो क्या करे, खुद से ही करे। थर्ड में आइए, I made her clean the entire room yesterday. मैंने उसे मजबूर किया, मैंने उसे फोर्स किया कि वो अपना कमरा जो है खुद ही साफ करे। फिर से स्ट्रक्चर को देखिए, I यानी आप, पहले सब्जेक्ट, इसके बाद कि इसने क्या किया, इसको मजबूर किया, किसको मजबूर किया, हार को मजबूर किया, क्या करने के लिए, क्लीन करने के लिए, क्या चीज़, अपने रूम को, इस चीज़ को, स्ट्रक्चर को आपने ध्यान में रखना है। नीचे एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट मैंने आपके लिए दिया है, कभी भी हमें
मेन वर्ब से पहले डोंट यूज टू बिफोर मेन वर्ब, डोंट यूज टू बिफोर द मेन वर्ब। मेन वर्ब से पहले कभी भी हम क्या करेंगे, टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। स्ट्रक्चर इसके ऐसे है, जैसे मैंने बताया ही ने क्या किया, मजबूर किया किसको, मी को, मुझे मजबूर किया क्या करने के लिए, मेरा होमवर्क जो है कंप्लीट करने के लिए, यानी ही मेक्स मी कंप्लीट हिज होमवर्क, उसने मुझे अपना होमवर्क करने के लिए मजबूर किया या फोर्स किया, जैसे भी हो। तो यहाँ पर आप क्या करो, मेन वर्ब से पहले देखो आपने कंप्लीट से पहले कोई टू या कुछ भी नहीं लगाया। सिमिलरली यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स देयर ओन वर्क, स्टूडेंट्स डू, डू से पहले आपने टू नहीं लगाया। आई मेड हर क्लीन द एंटायर रूम, हर के बाद क्लीन जो हमारा मेन वर्ब है उससे पहले आपने टू नहीं इस्तेमाल किया। एंड द लास्ट एग्जाम्पल, द रेन मेड अ स्टे एट होम होल डे, रेन ने क्या किया, बारिश ने हमें मजबूर किया, हमें मजबूर किया किसे, हमें क्या चीज़ के लिए, स्टे। देखिए मेन वर्ब यहाँ पर स्टे है, मैं मार्क करके आपको बता रहा हूँ, इससे पहले हमने कोई भी टू इस्तेमाल नहीं किया। इसके स्ट्रक्चर ही ऐसे है, द रेन मेड अ स्टे एट होम होल डे, यानी सम कॉज, कुछ भी कारण के लिए, सपोज टू गो आउट, आपको कुछ काम था, यू हैड सम मीटिंग, यू हैड सम आउटिंग प्रोग्राम्स एंड ऑल, आपका कोई प्रोग्राम था दोस्तों के साथ जिसके चलते बारिश बहुत हो रही थी, इसके चलते आप घर से निकल नहीं पाए और आप बोल रहे हो कि बारिश के चलते हमें पूरा दिन ही घर में रुकना पड़ा। तो ये जो है मेक और मेड के एप्रोप्रिएट यूजेस है, यहाँ मैंने आपको डिटेल में कर दिया है। अगर कोई भी, जैसे कि द रेन मेड अस स्टे होल डे यस्टरडे, जैसे कि कल आप पास्ट की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे मैंने मेड का इस्तेमाल किया है मेक के जगह। उम्मीद करता हूँ ये सारे एग्जाम्पल के द्वारा आपके मेक और मेड के जो स्ट्रक्चरल फॉर्म है पॉजिटिव वर्ब में वो क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की ओर। चलिए स्टूडेंट देखते हैं गेट और गॉट, प्रेजेंट फॉर्म एंड पास्ट फॉर्म, मेक और मेड की तरह ही पॉजिटिव वर्ब गेट और गॉट कैसे उपयोग होते हैं, स्ट्रक्चर क्या है, एग्जाम्पल के द्वारा क्लियर करते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि रिक्वेस्ट, आस्क, कन्विंस और कजोल, इस चीज़ों को आप ध्यान रखिए। रिक्वेस्ट आप जानते हैं, किसी को भी आप रिक्वेस्ट करते हैं, आप अनुरोध करते हैं, आप किसी को मस्का लगाते हैं, वी कॉल दिस कजोल इन इंग्लिश। सिमिलरली आप कन्विंस करते हैं किसी को, किस चीज़ के लिए, व्हेन समवन रिक्वेस्ट, आस्क, कन्विंस और कजोल अदर्स टू डू वर्क और समथिंग एल्स। जब आप किसी को कैसे भी हो, यहाँ से वहाँ से, यहाँ वहाँ की बातें बोलकर, उसको अच्छे से बोलकर, उसको रिक्वेस्ट करके, जैसे भी आप अपना काम करवाते हैं किसी से, तब हम प्रेजेंट फॉर्म के लिए गेट का और पास्ट फॉर्म के लिए गॉट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रक्चर मैं आपको फिर से यहाँ बता देता हूँ, जैसे मैंने मेक और मेड का स्ट्रक्चर बताया था। यहाँ पर क्या करेंगे, दे, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं यू, मैं पास्ट फॉर्म में इसको गेट को गॉट में किया हूँ, यू गेट समवन टू, यहाँ पर आप देखो यू गेट समवन टू डू समथिंग, इस चीज़ का ध्यान रहे। यहाँ पर पिछले बार जैसे हमने मेन वर्ब से पहले टू का इस्तेमाल नहीं किया था, इस बार हमें नीचे मैंने कोड भी दिया है, यू हैव टू यूज टू बिफोर द मेन वर्ब मैंडेटरी। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपने मेन वर्ब से पहले टू का मैंडेटरी यानी कंपलसरी इस्तेमाल करना है, नहीं तो स्ट्रक्चर आपकी गलत हो जाएगा। फिर से मैं स्ट्रक्चर आपको दोहरा रहा हूँ, यू गेट समवन टू डू समथिंग, आप किसी से कोई भी चीज़ करवा रहे हो, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल के जरिए चलिए क्लियर करते हैं, सो दे गॉट मी टू सिंग फॉर देम लास्ट नाइट, उन्होंने मुझे कल रात एक गाना गाने के लिए मजबूर किया। यहाँ पे आप मजबूर तो कर नहीं सकते, उन्होंने रिक्वेस्ट किया मुझे, दे कजोल मी, दे रिक्वेस्टेड मी, दे कन्विंस मी समहाउ जस्ट टू सिंग अ सॉन्ग फॉर देम, राइट। यहाँ पर उन्होंने मुझे क्या किया, थोड़ा सा रिक्वेस्ट किया भी बोल सकते हो, या मुझे मस्का लगा ये गाना गा दो हमारे लिए, तो कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं, शी गेट्स मी टू हेल्प हर इन मैथ ऑलवेज, वो मुझे क्या करती है, हमेशा अपने मैथ जब वो करती है तो मुझे हमेशा क्या बोलती है कि कन्विंस करती है या मुझे रिक्वेस्ट करती है कि उसकी मैथ में मैं थोड़ा हेल्प कर दूँ। फिर से आप स्ट्रक्चर को देख लो, यू गेट, क्योंकि शी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, हमने उसके साथ गेट के साथ एस एड किया, शी गेट्स मी, सो समवन गेट यू गेट समवन और समवन गेट्स यू, लेट इट बी वॉट एवर, टू हेल्प, इस चीज़ को मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, उसी में मार्क करके पॉइंट करके आपको बता रहा हूँ, यू गेट समवन टू डू समथिंग, यानी उसने मुझे, शी गेट्स मी टू हेल्प हर इन मैथ ऑलवेज, वो मुझे हमेशा ही मैथ में मदद करने के लिए कन्विंस करती है, रिक्वेस्ट करती है या कजोल करती है। माई फादर गॉट मी टू राइट अ लेटर फॉर हाई, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, देखो आप अच्छे से, मेरे पापा ने क्या किया, मुझे
कन्विंस किया, माई फादर जो सब्जेक्ट है वो कुछ काम नहीं कर रहा है, उसने उन्होंने मुझे कन्विंस किया या मुझे रिक्वेस्ट किया, क्यों? माई फादर गॉट मी टू राइट अ लेटर फॉर हिम, पापा ने मुझे रिक्वेस्ट किया या कन्विंस किया या थोड़ा सा मुझे बोला कि आप ही कर दो, थोड़ा सा अच्छे से मुझे बोला कि मेरे लिए एक खत लिख दो। तो यहाँ पर सारे वाक्यों में हम लोग देख रहे हैं जो सब्जेक्ट है दे शी माई फादर ये कुछ काम कर नहीं रहे, ये क्या कर रहे हैं, दूसरों के जरिए काम को करवा रहे हैं। तो ये जो गॉट गेट या गेट्स ये जो सारे वर्ब मैंने लगाया है ये दीज ऑल आर पॉजिटिव वर्ब। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन तीनों एग्जाम्पल के जरिए आपके गेट और गॉट इन दोनों चीज़ एज अ पॉजिटिव वर्ब कैसे इस्तेमाल हो रहा है आपको ज़रूर क्लियर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे स्लाइड की ओर। चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं लेट के बारे में। जैसे कि आप सभी को ही जानते हैं लेट के जो बेसिक थ्री फॉर्म्स होते हैं प्रेजेंट पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल दे ऑल लेट लेट एंड लेट तीनों ही एक ही फॉर्म होते हैं। तो शुरू करते हैं लेट से, लेट कैसे पॉजिटिव वर्ब और सेंटेंस में यूज होते हैं, स्ट्रक्चर क्या है इसके बारे में भी जानते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं लेट किस आधार पर या किस बेसिस पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अलाउ एंड परमिट, अलाउ यू नो अबाउट दिस, अलाउ करना किसी को परमिशन देना, सो परमिट अलाउ इन सब चीज़ों में इन केसेस में हम लोग क्या करते हैं लेट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। स्ट्रक्चर में बोला गया है व्हेन समवन अलाउ और परमिट अदर्स डू एनी वर्क और समथिंग एल्स। इस चीज़ का ध्यान रखिए जब हम किसी को अलाउ करते हैं या परमिशन देते हैं कोई भी चीज़ करने के लिए, अनुमति देते हैं जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं हम लोग अच्छे से, स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे से छोटे चीज़ दिमाग में रखना है, कब हमें टू इस्तेमाल करना है यानी हमें इन्फिनिटिव इस्तेमाल करना है और कब हमें बेयर इन्फिनिटिव यानी टू छोड़ के इन्फिनिटिव को इस्तेमाल करना है। जब मैं आपका क्लासेस लूँगा और अलग अलग वर्बों में जैसे फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब के ऊपर, तब मैं आपको इन्फिनिटिव क्या होता है, बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है, ये सारी चीज़ों के डिटेल बताऊँगा। अब स्ट्रक्चर थोड़ा सा देख लेते हैं। माई बॉस यानी यू, आप ऐसे मान लो यू लेट someone do something, similar case you let someone do something, तो ये हमारा स्ट्रक्चर है। यहाँ पे सेम नीचे देखो, अब मैंने टैग आपके लिए दे दिया है डोंट यूज टू बिफोर द मेन वर्ब, मेन वर्ब से पहले हमें टू का इस्तेमाल नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रहे हमें बेयर इन्फिनिटिव इस्तेमाल करना है। सो माई बॉस एग्जाम्पल पर शुरू करना है, माई बॉस थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, माई बॉस, बॉस एक व्यक्ति है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, माई बॉस लेट्स मी डू माई वर्क इंडिपेंडेंटली। इस चीज़ का ध्यान रहे मेरा जो बॉस है ऑफिस में वो मेरा जो काम है वो हमेशा मुझे अपनी तरीके से करने देता है इंडिपेंडेंटली, वो कभी टांग नहीं रहते, मुझे टोकते नहीं कभी भी, तो मेरा जो काम है बहुत इंडिपेंडेंटली मुझे अपनी तरीके से करने की अनुमति वो देते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं, ये नेगेटिव सेंटेंस मैंने दिया है आपके समझने के लिए, He does not let me play alone anytime. ये आदमी, ये लड़का, ये बच्चा मुझे कभी भी अकेले खेलने नहीं देता है यानी ये अनुमति कभी नहीं देता है, आपको अलाउ नहीं करता है। फिर से वही कंस्ट्रक्शन को ध्यान दीजिए, यू जैसे कि यहाँ पे आपने मैंने बताया था यू लेट समवन डू समथिंग, सिमिलरली He does not let me play. यहाँ पर he के बाद आप क्या कर रहे हो, does not लगा रहे हो नेगेटिव सेंस के लिए और उसके बाद let लगा रहे हो किसी को, किसी के द्वारा और प्ले लास्ट में बेयर इन्फिनेटिव, कोई आप उसमें टू नहीं लगा रहे हो। नेक्स्ट सेंटेंस, वाई डोंट, यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंस आपके लिए दिया है मैंने सारे एक एक एग्जांपल्स ताकि आपको समझने में आसानी हो कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव और एफर्मेटिव मोड में आप कैसे इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करोगे। वाई डोंट, जैसे आप सभी जानते हैं डोंट दैट ऑलवेज सिग्निफाइज अबाउट द प्रेजेंट, ये प्रेजेंट को दर्शाता है और डिंट डी आई डी एन एपोस्ट्रोफी एस टी, सो डिंट दैट एक्चुअली इम्प्लाई द पास्ट, वो पास्ट को हमेशा दर्शाता है। तो मैंने दो ही एग्जाम्पल ऑब्लिक करके दिया है ताकि आप दोनों ही समझ में आए। वाई डोंट यू लेट हिम स्लीप, तुम उसे सोने क्यों नहीं देते हो यानी सोने के लिए अलाउ क्यों नहीं करते हो या परमिशन क्यों नहीं देते हो, और सिमिलरली वाई डिंट यू अलाउ लेट हिम स्लीप, तुमने उसे सोने क्यों नहीं दिया। तो दोनों ही सेंस में मैंने इसको इस्तेमाल किया है प्रेजेंट और पास्ट सेंस में, ठीक है। तो आपके कन्वीनियंस के लिए आपको समझ में आ जाएगा। सो व्हाई डोंट यू लेट हिम स्लीप, व्हाई डिडंट यू लेट हिम स्लीप, तुम उसे सोने क्यों नहीं देते हो प्रेजेंट में, क्योंकि हो या है प्रेजेंट को दर्शाता है, और तुमने उसे सोने क्यों नहीं दिया या दिया था, तो ये पास्ट को समझा रहा है। सेम थिंग आगे एग्जाम्पल में चलते हैं। चलिए आई ओपन द डोर क्विकली, मैंने अपना जो है दरवाजा फटाफट खोला और क्या हुआ, एंड लेट आरव
कम इन। और इसके बाद देखो दो सेंटेंस यूज किया मैंने, मैंने फटाफट दरवाजा खोला और आरफ को मैं अंदर आने दिया। हालांकि देखो यहाँ पे सेंटेंस जो है आप शुरू कर रहे हो आई ओपेंड, यानी मैंने खोला था, आपने पास्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया है। लेकिन जब आप दूसरा सेंटेंस यूज कर रहे हो कि आपने आरफ को आने दिया, आपने केम इस्तेमाल नहीं किया, आपने प्रेजेंट फॉर्म ही इस्तेमाल किया। इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि हमें वी वन का इस्तेमाल करना है। एक चीज का ध्यान रहे, हमेशा वी वन यानी प्रेजेंट फॉर्म, एंड लेट यानी यू लेट समवन टू डू समथिंग, यानी स्ट्रक्चर हमारा एकदम पैरेलल हो गया है। एंड लेट आरफ कम इन, तो कौन सा है हमने इस्तेमाल किया, हालांकि सेंटेंस हमने शुरू किया पास से, लेकिन हम लोग वी वन प्रेजेंट का ही इस्तेमाल करेंगे लेट के बाद। नेक्स्ट में चलते हैं, डोंट लेट योर हार्ट बी ब्रोकन। यहां पे एक अलग किस्म का वाक्य मैंने बताया है आपके लिए। हम बहुत कोई कभी कभी क्या होता है कि किसी कारणवश आपका दिल टूट जाता है, आप डिमोरलाइज होते हो, आप अपसेट हो जाते हो, कोई भी रीज़न हो सकता है, पर्सनल प्रोफेशनल रीजंस। तो हम क्या करते हैं, अच्छे दोस्त या आपको जो अच्छा काउंसिल करता है, आपका जो अच्छा कंपेनियन होता है, वो आपको हमेशा सांत्वना देता है, कॉन्सोलेशन देता है। तो आपको बोलता है कि आप अपना जो दिल है छोटा मत करो, या दिल ना आपका टूटा है तो फिर ठीक हो जाएगा। तो इस किस्म के केस में हम लोग क्या करते हैं, डोंट लेट योर हार्ट बी ब्रोकन, यानी हार्ट अपने आप तो टूट नहीं सकता। ये पैसिव फॉर्म में हम बोल सकते हैं कि इसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्टिव फॉर्म में नहीं है। सो डोंट लेट योर हार्ट बी ब्रोकन, जब भी आपने हार्ट के बाद अपने बी वर्ब का इस्तेमाल किया, इसके बाद हमेशा देखिए मैंने एग्जांपल भी दे दिया है ब्रैकेट में आपके समझने के लिए, V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, बी ब्रोकन। सिमिलरली लास्ट एग्जांपल आपके लिए, लेट द एविल विद इन यू, एविल का मतलब आप जानते हैं, एविल मतलब बुरा, यानी अपने अंदर के जो बुराई है, लेट द एविल विद इन यू बी डिस्ट्रॉयड, अपने अंदर के जो बुराई है उसको ध्वंस हो जाने दो, यानी खत्म हो जाने दो। सिमिलरली डिस्ट्रॉयड के बाद भी देखो मैंने V3 का फॉर्म इस्तेमाल किया है, यानी डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉयड, फॉर्म्स आप अच्छे से जानते हैं। तो अपने अंदर के जो खराब चीज़ें हैं, बुरी चीज़ें हैं, उसे खत्म हो जाने दो, एक नई शुरुआत करो। तो ऐसे ही सारे एग्जाम्पल में लेट कैसे इस्तेमाल हुए हैं एक्टिव और पैसिव में, इसका भी सारा एग्जाम्पल मैंने आपको बोर्ड पर डिटेल में दे दिया है। उम्मीद करता हूँ मेक मेट गेट गॉट और लेट, इन तीनों अलग अलग पॉजिटिव वर्ब के जो एप्लीकेशंस मैंने आपको बोर्ड पर दे दिया है, आपको बता भी दिया, इस वीडियो के जरिए सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ इसको आप बार बार देखेंगे, और आपके जो दोस्त वगैरह हैं जिन्हें इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी चाहिए, उनको भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे। हमारे चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, और ऐसे ही और वीडियोस आप तक पहुंचाने के लिए हमें और उत्साहित कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।